बेटा इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर लगभग सारे पॉइंट्स को नोट भी किया गया है, ठीक है। तो हम सारी एडजस्टमेंट लगभग इसके अंदर पढ़ लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को पूरा समझिएगा। इसमें हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में एक्स एंड वाई एंटर्ड इंटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप करी और 1 अप्रैल 2017 को शुरू करी। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 लाख एंड 1 लाख 50,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 2 लाख और 1.5 लाख रुपए दोनों ने रेस्पेक्टिवली बिजनेस में लगाए। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि एक्स ने लगाए हैं 2 लाख और वाई ने लगाए हैं 1.5 लाख रुपया। कह रहा है एज देयर कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2017, कह रहा है 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि 6 महीने के बाद एक्स प्रोवाइड 50,000 एज लोन टू द फर्म। एक्स ने जो है 50,000 रुपये लोन के तौर पे फर्म को दिए हैं, ठीक है जी। ये बात भी हमें समझ में आ गई कि एक्स वाई पार्टनर है, 2 लाख और 1.5 लाख के साथ बिजनेस शुरू करा। जैसे 6 महीने बीते, यानी कि 1 अक्टूबर 2017 आई, तो यहाँ पे एक्स जो है उसने 50,000 रुपये लोन के तौर पे अब दे दिया फर्म को, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसके जो प्रोविजन है उसके हिसाब से 20% ऑफ द प्रॉफिट, बहुत ध्यान से समझना, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर, ये बिफोर और आफ्टर थोड़ा समझ के किया करो, बिफोर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, यानी कि पार्टनर ने जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है उससे पहले, बट आफ्टर, लेकिन हाँ किस चीज के बाद, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस टू द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मेकिंग अप्रोप्रिएशन का मतलब अगर पार्टनर को कोई पैसा देना है तो वो सब तो आप दे दीजिए, ठीक है। यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट हमें गिवन होगा उसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जो भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड नहीं करना, लेकिन हाँ जो भी खर्चे हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी, ये तीनों चीज़ें आप माइनस कर देना, ठीक है, नेट प्रॉफिट में से, और जो अमाउंट बचेगा उसका 20% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल कितनी, 2 लाख और 1.5 लाख, इसके ऊपर 12% का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट भी पार्टनर को पे करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, 10% पर एनम, यानी कि अगर पार्टनर्स ने कोई घर के खर्चे के लिए पैसा निकाला है तो उसको हम क्या करेंगे, 10% का उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर, ठीक है। आगे करते हैं। एक्स टू गेट, एक्स जो है उसको मंथली सैलरी मिलेगी, जो पार्टनर एक्स है उसको हमने ये कहा था कि भाई साहब हम आपको 5,000 रुपये मंथली सैलरी भी देंगे। एंड वाई टू गेट सैलरी 22,500 पर क्वार्टर, और हमने वाई से कहा कि हम आपको 22,500 रुपये पर क्वार्टर की सैलरी देंगे, यानी साल में 4 बार देंगे, तो 22,500 दुनी कितना हो जाएगा, 4,500, और 4,500 दुनी कितना हो जाएगा, 90,000 रुपये तो निकल के आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। आगे करते हैं। एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, जो एक्स है उसे हमें कमीशन देनी है सेल का 5%। बेटा एक पार्टनर एक्स है जिससे हमने क्या कह रखा है कि हम आपको कमीशन देंगे 5% सेल का, और सेल हमें कितनी गिवन है, सेल हमें गिवन है 3,50,000, ठीक है। तो इसका हम 5% निकालेंगे, 17,500 आ जाएगा, एक्स को दे देंगे। अभी हम क्वेश्चन को सिर्फ समझ रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 1,75,000 रुपये। कह रहा है कि जो प्रॉफिट और लॉस है उसे हमें कैसे बांटना है, तो कह रहा है उसे आप कैपिटल रेशियो में बांटना, जितना जितना लोगों ने कैपिटल लगाया, लेकिन सारा प्रॉफिट वैसे मत बांटना। जो भी प्रॉफिट होएगा उस प्रॉफिट के पहले 1,75,000 रुपये निकालना और उसको तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में कर देना, एंड अबव 1,75,000, कह रहे हैं लेकिन 1,75,000 के ऊपर जो है उसे आप इक्वली बांट देना, यानी कि बराबर बराबर सारे पार्टनर्स में, सारे कौन है, एक्स और वाई है, इन दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट, ओहो, द प्रॉफिट फॉर द एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2017 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2018 को जब खत्म हुआ, तो प्रॉफिट प्रोवाइडिंग बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट वॉज 4,61,000, वो कितना है, 4,61,000 रुपये प्रॉफिट है। इतनी बात समझ में आ गई, बिफोर एनी इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट इसमें से माइनस नहीं हुआ, कौन सा इंटरेस्ट अभी देखते हैं कौन सा है। द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई,
और एक्स और वाई की हमें ड्रॉइंग्स गिवन है 1,00,000 रुपये और 1,25,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। आई होप कि आपको इतनी बातें भी समझ में आ गएंगी। ये जो ड्रॉइंग है इसके ऊपर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। और बेटा ये जो आपको गिवन है ना बिफोर इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये जो पार्टनर ने लोन दिया था ना, आपको पता है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है भले ही डीड बनी हो या नहीं, कितना, 6% पर एनम। अच्छा इसने दिया कब है, इसने 1 अक्टूबर 2017 को दिया है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक 6 मंथ होते हैं, ठीक है। तो 50,000 का 6% जो कि डीड के अकॉर्डिंगली है, 50,000 का 6% कितना निकल के आ जाएगा, 3,000 रुपये निकल के आ जाएगा। लेकिन 3,000 तो एक साल का निकल के आएगा, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा 1,500। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट हम करते हैं, बुक को कर देते हैं साइड में और टेबल बहुत ऊँचे इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं हम छोटा, भाई तू भी नीचे, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, अब हम यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें P&L प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन के अंदर, साथ के साथ हम बुक को भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहेंगे कि हमें प्रॉफिट कहाँ पे गिवन है उसको हम देखते रहते हैं। हमें प्रॉफिट गिवन है 4,61,000, ठीक है। तो हमने लिख दिया सबसे पहले 4,61,000, उसमें से हमने 1,500 रुपये इंटरेस्ट के माइनस कर दिए। अच्छा ये इंटरेस्ट निकल के कैसे आया तो हम समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 1 अक्टूबर 2017 को एक्स ने 50,000 रुपये लोन के तौर पे दिए थे, ठीक है। और डीड में गिवन है कि हमें कितना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। कौन सी डीड में गिवन है, यहाँ पे कोई डीड नहीं, यहाँ पे डीड नहीं है, वो पार्टनरशिप एक्ट का जो डीड है वहाँ पे गिवन है, ठीक है। 50,000 का अगर हम 6% निकालें यानी कि 6/100, वो भी कितने के लिए, 6/12 के लिए। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये जाएगा, ये जाएगा, यहाँ बचेगा 2 से ये जाएगा 3, 5 3 15 और 20 बचे हैं, 20 1500। 4,61,000 माइनस 1500 यहाँ पे कितना जाएगा, 4,59,500, ठीक है बेटा। अच्छा अब निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा ड्रॉइंग्स कितनी कितनी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें ड्रॉइंग्स गिवन है कहाँ गया, यहीं पे था ना, भी 1,00,000 रुपये और 1,25,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 और 1,25,000 रुपये हमें गिवन है, ठीक है जी, 1,00,000 और 1,25,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है, वो हमें 10% गिवन है, ठीक है जी। तो 1,00,000 का 10% कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। लेकिन क्या हमें टाइम पीरियड गिवन है, नहीं टाइम पीरियड तो नहीं गिवन। अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन रहता तो हम उस पर एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब हम मान के चलते हैं 6 मंथ का, हम मान के चलते हैं यानी कि 6/12 यानी कि 10,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा ये, ठीक। उसी तरीके से 1,25,000 का 10% आ जाएगा 12,500 और उसका एवरेज कर देंगे यानी हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 6,250 और इन तीनों का टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, डेबिट साइड में। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कुछ अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। हमें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, 2,00,000 का 12% 24,000 आ जाएगा और 1,50,000 का 12% 18,000 आएगा। 24,000 और 18,000 ये दो चीजें हमारी आ गई हैं, ठीक है बेटा। अच्छा टू सैलरी, अब सेकेंड थिंग सैलरी, सैलरी कितनी कितनी हमें गिवन है, कह रहा है X टू गेट मंथली सैलरी 5,000, X को 5,000 रुपये मंथली देने हैं, ईयरली कितनी हो जाएगी 60,000। अच्छा 22,500 रुपये हमें किसको देने हैं, क्वार्टरली देने हैं, किसको, Y टू गेट सैलरी 22,500 पर क्वार्टर, ठीक है। तो 22,500 इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 90,000। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, अब आता है हमारा कमीशन। कमीशन कितना है, कमीशन है कहाँ गया कमीशन, X is entitled to a commission of 5% on sales. Sale का 5%, ठीक है, और sale for the year were 3,500। 3,500 का 5% कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये तो आप लोग कैलकुलेट आराम से कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ये निकल के आ जाएगा 17,500, ठीक है, 17,500 निकल के आ जाएगा ये। अच्छा अब आता है जनरल रिजर्व। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है 20% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन कौन सा, बिफोर चार्जिंग आईओटी, ठीक है जी, 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ये है बिफोर चार्जिंग आईओटी, ठीक है, खाली इसको ही पकड़ना है। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट आफ्टर मेकिंग appropriations to transferred, but after making appropriation, लेकिन appropriations बना दो, यानी कि एक approach
अप्रोप्रिएशन दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, इसे हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेट भी कर रखा है, ढूंढते हैं कहाँ पे है। अच्छा, मिल गया, ये रहा। ये कह रहा है 20% ऑफ किसका, 20% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उसमें से ये चीजें ऐड मत करना, उसके अंदर ये ऐड मत करना, लेकिन हाँ 24,000, 18,000, 60,000, 90,000 और 17,500 ये माइनस कर देना। बेटा जब आप इसमें से ये सारे वैल्यूज माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000, और 2,50,000 का 20% कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50,000, ठीक है। 2,50,000 का 20% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50,000 रुपये, यानी कि जनरल रिजर्व में हम कितना पैसा ट्रांसफर कर देंगे, 50,000। ये रहा जनरल रिजर्व, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 50,000, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये टोटल करा है यहाँ पे, ये टोटल होगा शिफ्ट यहाँ पे, इसमें से ये जितने भी हमारे खर्चे हैं इन सबको हम कर देंगे माइनस। ये अब जो प्रॉफिट बचा, इस पे हक किसका है, ये हक है एक्स और वाई का, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बांट लेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे भी एक छोटा सा मुद्दा है। क्या मुद्दा है, मुद्दा ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 1,75,000, ठीक है। बेटा मैंने यहाँ पे दो तीन तरीके से समझा रखा है, 1, 2, लेकिन हम इस वाले से समझेंगे, ये सबसे ईजिएस्ट बैठेगा आपके लिए, डिटेल में समझ जाएंगे, ईजी तो सारे हैं। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट है कितना, सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं 2,11,500, मैंने अभी ये बांटा नहीं है, ये सिर्फ अभी बैलेंसिंग फिगर आया है 2,11,500। अब हम आ जाते हैं सीधे यहाँ पे, ये आ गया बेटा 2,11,500। अच्छा, अब क्वेश्चन को एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 1,75,000, यानी कि सबसे पहले 2,11,500 में से 1,75,000 तो आप क्या कर दो, अलग कर दो, ठीक है जी, कर दिया। अगर 2,11,250 में से 1,75,000 अलग कर दोगे तो बचेगा कितना, 2,11,250 से 1,75 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 36,250, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बांटना है, बुक में क्लियरली मेंशन है कि इसे तो बांट दो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी कितनी है वो भी हम बुक में एक बार देख लेते हैं। ये हमें गिवन है 2,00,000 रुपये और 1,50,000 रुपये। अच्छा, 2,00,000 और 1,50,000 को आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, 2,00,000 और ये हो गया 1,50,000, ये हो गया रेशियो। तो सबसे पहले तो कॉमन 4 जीरो है, यानी कि 10,000 से कट जाएगा, तो ये हमने काट दिया, बचा कितना है 20:50, 5 से दोनों जाएंगे तो ये हो जाएगा 4:3, ठीक है। यानी टोटल कितना आ जाएगा इसका, 7, यानी कि प्रॉफिट को 7 भागों में हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद उसके 4 हिस्से तो हम किसको दे देंगे, एक्स को, सॉरी मैंने गलत जगह एक्स लिख दिया है ना, एक्स को हम दे देंगे और बाकी का शेयर किसको दे देंगे, वाई को। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। 1,75,000, इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट फर्स्ट 1,75,000 ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो ऑफ पार्टनर्स दैट इज 20:15। अरे वाह, हमने तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यानी कि 4:3, यानी एक्स को कितना मिलेगा, 75,000 के 7 हिस्से बनाओ, यानी 7 से डिवाइड करो और उसके 4 हिस्से दे दो, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,00,000 रुपये। वाई को कितना मिलेगा, 1,75,000 के 7 हिस्से बनाओ और 3 हिस्से किसको दे दो, वाई को, यानी कि 75,000 रुपये। इतनी बात समझ में, ठीक है सर। 1,75,000 का तो हो गया, अभी भी 36,250 रह गया। हाँ जी, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो दैट इज 1:1। 36,250 इसका हाफ कर देंगे और इसका हाफ, दोनों को 18,125 चले जाएंगे। लेकिन अभी मैंने इन दोनों का टोटल नहीं निकाला। अच्छा, एक्स को अब टोटल पैसा कितना मिलेगा, एक्स को 1,00,000 रुपये तो यहाँ से मिल रहे हैं और 18,250 इस वाले प्रॉफिट के अंदर मिल रहा है, यानी टोटल 1,18,125, और वाई को 75,000 रुपये मिल रहे हैं यहाँ से और 18,125 मिल रहा है यहाँ से, 75 और 18,125 टोटल आ जाएगा 93,125। देखिए 1,18,125 और 93,125, ठीक है। बेटा अभी मैंने इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझा दिया है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक अलग, एक अच्छे, बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।